जय हिंद। आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वो कैसे पता कर सकते हैं? बहुत बार ऐसा होता है कि जब भी आप आधार कार्ड अपना बनाते हैं तो उस समय हम भूल जाते हैं कि कौन सा आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर हमने दिया था। और बहुत लोगों का तो ऐसा भी सिचुएशन आता है कि सर मैंने 10 साल पहले आधार कार्ड बनाया था और उसमें क्या कौन सा मोबाइल नंबर था मुझे खुद भी याद नहीं। और कभी कभी ऐसा होता है कि आधार कार्ड में कुछ चेंजेस करना होता है, कुछ कुछ तो ऑनलाइन ही चेंजेस हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए आपको? रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे? आपको खुद को पता नहीं है कि हम अपने आधार कार्ड में रजिस्टर्ड नंबर कौन सा है, तो आज मैं एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे आप आसानी से पता कर सकते हैं कि आपके आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो आप अगर इस स्टेप को अगर फॉलो करते हैं तो बहुत इजी तरीके से जान सकते हैं कि आपके आधार कार्ड में नंबर कौन सा है। तो चलिए चलते करके दिखाता हूं कि किस तरीके से इसको पता कर सकते हैं। तो चलते अपने मोबाइल स्क्रीन पे। सबसे पहले क्या करना है, अपने गूगल क्रोम में खोलिएगा जो आधार कार्ड की वेबसाइट है UIDAI, ठीक है, जो फर्स्ट वाला आएगा उस पर आप क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे अपना लैंग्वेज को सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा आधार सर्विस का, इस पर क्लिक करते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको वेरीफाई आधार का, इस पर क्लिक करते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो एक नया चीज़ खुल के आएगा, इसके बाद यहाँ पर आपको करना है वेरीफाई आधार, ठीक है, तो इस पर हम क्लिक करते हैं। खुल के आने के बाद यहाँ पे चेक करना है चेक आधार वैलिडिटी, ठीक है, इस पर क्लिक करते हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक नया चीज़ ओपन होकर आ जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा तो इसको आप थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। यहाँ पे खुल के आने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना आधार नंबर डाल देना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, आपको अपना कैप्चा डाल देना है। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे 3 डिजिट एक दिखाई देगा, आपको मोबाइल नंबर दिखाई देगा 3 डिजिट का। इससे आप पता कर सकते हैं कि आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर कौन सा है।